कोई भी समझौता अब नहीं हो पाएगा। अब उनसे आशा करते कि कुछ करने का समय है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जय श्री राम। अब बहुत इंतजार हो गया हिंदुओं का, अब जो है अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होनी चाहिए। सरकार को अविलंब जो है अध्यादेश लाके, क्योंकि कोई भी समझौता अब नहीं हो पाएगा। अब अध्यादेश ही एकमात्र विकल्प है और जल्दी से जल्दी जो है घोषणा करनी चाहिए संसद में अध्यादेश लाके। जिस तरह से रामसभा के लिए लोग बाग इकट्ठा हो रहे हैं, ये अभी अयोध्या में भी इकट्ठा हुए थे, लेकिन क्या यही होता रहेगा कि राम मंदिर भी बनेगा? हम लोग सरकार से चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं हम लोग की आवाज़ सुने और अयोध्या मंदिर इस बार बनना ही चाहिए। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग इकट्ठा हों और कभी अयोध्या जा रहे हैं कभी ये जा रहे हैं। अब उनसे आशा करते हैं कि कुछ करने का समय है। हम लोग उनके प्योर भक्त हैं लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए आज हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एक होकर अयोध्या जाएं और मंदिर बनाना चाहिए। इस बार किसी भी हाल में मंदिर बनना चाहिए। हम लोग नोएडा से करीब हजारों की संख्या में नोएडा से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सेक्टर 75 के हम लोग निवासी हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस बार मंदिर बनना ही चाहिए। अगर सरकार कुछ नहीं करती है अब मंदिर बनेगा ही बनेगा। दिसंबर है, अब आगे से हम लोग आगे 2-3 महीनों में हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हम लोग अयोध्या में जाके मंदिर बना सके। लेकिन एक नारा लगाया जा रहा है, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस बार तारीख भी बतानी पड़ेगी सरकार को, मोदी जी को तारीख भी बनानी पड़ेगी। नहीं तो यही राम भक्त है, उनका प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचाने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा। राम से जो खिलवाड़, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। हाँ, जय श्री राम। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या 2019 से पहले राम मंदिर बनेगा या नहीं? इनको संघर्ष करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा इसके लिए, चाहे हमें अपनी जान भी दिवानी पड़े या इनके कदमों में पैरों में लौटना पड़े। जय श्री राम। लेकिन एक नारा ये भी है कि 2019 से पहले राम मंदिर बनना चाहिए, तभी सरकार आएगी। बनाना पड़ेगा, बनेगा, और नहीं बनेगा तो हमें जबरदस्ती खुद बनाना पड़ेगा वहाँ जाके। जय श्री राम। पूर्ण यकीन है कि इसी शीतकालीन सत्र में जो है मंदिर के लिए जो है अध्यादेश सरकार लाएगी। इतने बड़े राम भक्तों की जो है आवाज को, असंख्य कोट जो है राम भक्त जो यहाँ भक्त राम मंदिर बनाएंगे, बाकी कोई नहीं बनाएगा। चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान के करोड़ों असंख्य लोग जो है वही राम मंदिर बनाएंगे, वही सच्चे राम भक्त रहे और वही राम मंदिर बनाएंगे। आज जितने यहाँ पर दिख रहे हैं ये सब राम भक्त हैं, इनका किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है, ये राम भक्त हैं केवल, और यहाँ इसलिए आए हैं कि सब लोग इकट्ठा हो और ये संदेश अपना सरकार तक पहुँचा पाए कि अब भक्त रोड पे आ गए हैं, अब इसका बनाने का सही समय आ चुका है। अब हम लोग सरकार से ये चाहते हैं कि अगर वो लोग कुछ कर सकते हैं 1-2 महीने में तो करें, नहीं तो अदरवाइज मार्च तक हम लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, हम खुद बना लेंगे। हम लोग को नहीं चाहिए किसी की सरकार, कुछ नहीं चाहिए। ये राम जी की जन्मभूमि है अयोध्या में, वो हमको चाहिए कैसे भी चाहिए।